ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर्स में फाइनली मूव ओएस 3 का अपडेट रिलीज कर दिया है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स जो कि पहले प्रॉमिस करे गए थे पर नहीं मिले थे, वो अब सारे फीचर्स इस अपडेट के थ्रू आपको मिलने वाले हैं। साथ ही में आपको इसके परफॉर्मेंस और रेंज में भी थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट्स मिलने वाले हैं, और उसके अलावा इसमें आपको हाइपर चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है। तो क्या है ये अपडेट और कौन से आपको फीचर्स इसके अपडेट में मिलने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की, उसके बाद परफॉर्मेंस और रेंज में आई हुई इम्प्रूवमेंट्स की, और लास्ट में बात करते हैं हाइपर चार्जिंग के बारे में। तो फीचर्स में आपको सबसे पहले मिलने वाला है हिल होल्ड। हिल होल्ड की मदद से आप जब इस स्कूटर से चढ़ाई वाले एरिया पे आप इस गाड़ी को चला रहे हो और किसी कारण आपको वहाँ पे रुकना पड़ता है, और उसके बाद जब आप फिर से गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं तो हिल होल्ड आपकी गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है, जिसके मदद से आप बिना पीछे जाए गाड़ी को आराम से हिल वाले एरियाज में चला सकते हो। पर मेन बात तो ये है कि ये फीचर अभी तक भी फुल्ली रिलीज नहीं हुआ है, अभी भी हिल होल्ड वाला फीचर बीटा फेज में ही है। फीचर नंबर 2, मल्टीपल मोड्स। मल्टीपल मोड्स बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स की थीम्स है जो कि आप इस स्कूटर के डिस्प्ले के लिए सेट कर सकते हो। विंटेज, बोल्ड एंड इक्लिप्स, ऐसी 3 डिफरेंट टाइप्स की आपको इसमें थीम्स मिल जाती है, और इन तीनों ही डिफरेंट थीम्स में आपको डिफरेंट टाइप्स की लॉक और अनलॉक की साउंड मिलती है, और उसी के साथ डिफरेंट टाइप की चार्जिंग साउंड और मोटर साउंड भी आपको इन तीनों ही थीम्स में मिल जाती है, जैसे कि ओला वालों ने मल्टीपल मोड्स नाम दिया है। फीचर नंबर 3, मल्टीपल रीजनरेशन मोड्स, जिसमें कि आपको 3 डिफरेंट टाइप्स के रीजनरेशन मोड्स मिल जाते हैं और उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। फीचर नंबर 4, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। इस फीचर की मदद से आप अपने स्कूटर को काफी इजीली लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हो। इसके लिए बस आपके पास अपना फोन होना चाहिए। जैसे ही आप अपने स्कूटर से दूर जाओगे तो आपका स्कूटर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, और जैसे ही आप अपने स्कूटर के पास आओगे तो स्कूटर अनलॉक हो जाता है। ऐसे कुछ इसका प्रॉक्सिमिटी अनलॉक फीचर वर्क करता है। फीचर नंबर 4, कॉल नोटिफिकेशन। इस फीचर की मदद से आप आने वाले कॉल्स को उठा सकते हो या फिर कट कर सकते हो। फीचर नंबर 6, हजार्ड लाइट्स। अब आप अपने स्कूटर में जरूरत पड़ने पर हजार्ड लाइट्स का यूज भी कर सकते हो। फीचर नंबर 7, वाईफाई। इस अपडेट में आपको वाईफाई फीचर भी ऐड हो चुका है, जिसकी मदद से आप आपके स्कूटर के पास अवेलेबल जितने भी वाईफाई नेटवर्क्स होंगे उसको आप इजीली कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की मदद से आप अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं व्हीकल रिलेटेड, वो आप सारे के सारे इसमें सेव कर सकते हो, और जब भी आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स इस स्कूटर के स्क्रीन में देख सकते हो। नेक्स्ट फीचर आपको मिलता है वैकेशन मोड। इस फीचर का यूज तब होगा जब आपको अपने स्कूटर बहुत दिनों के लिए यूज नहीं करनी होगी, तो अगर उस टाइम पे आपने इस स्कूटर को वैकेशन मोड पे डाल दिया तो इस स्कूटर की बैटरी जो है वो काफी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी, और ज्यादा से ज्यादा 200 दिनों तक इसकी बैटरी जो है टिकी रहेगी, डिस्चार्ज नहीं होगी। उसके अलावा आपको और एक फीचर मिलता है पार्टी मोड, जो कि काफी यूजलेस फीचर है। मुझे नहीं लगता इस फीचर को कोई यूज करने वाला भी है या फिर नहीं। इस फीचर में बेसिकली होता ये है कि जब आप कोई सॉन्ग प्ले करते हो, इस स्कूटर में जितने भी लाइट्स हैं वो उस सॉन्ग के बीट्स के अनुसार ऑन ऑफ होती रहती है, सेम जैसे कि डिस्को लाइट्स वर्क करती है एक सॉन्ग पर, उसी प्रकार इस स्कूटर में जितने भी लाइट्स मिलेंगे वो सारे सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगी। तो ये कुछ आपको फीचर्स इसके मूव ओएस 3 अपडेट में मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं पावर और रेंज में क्या इम्प्रूवमेंट्स आई है। तो जैसे कि पहले ओला स्कूटर को 0 to 60 करने के लिए 5 seconds लगते थे, अब उसमें से 0.5 seconds कम हो चुके हैं, यानी कि आपको 0 to 60 करने के लिए सिर्फ 4.5 seconds लगे, यानी कि इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, काफी थोड़ा डिफरेंस है जो कि आपको नोटिस भी नहीं होगा। उसके अलावा अगर बात करेंगे रेंज की, तो ओला वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि आपको पहले से 2% to 5% ज्यादा अच्छी रेंज मिलने वाली है इस अपडेट के बाद में। फाइनली लास्ट में अगर बात करेंगे चार्जिंग की, तो इस अपडेट के थ्रू आपको हाइपर चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल चुका है, जिसके बाद 15 मिनट आपको इस स्कूटर को चार्ज करने के बाद 50 किलोमीटर की रेंज मिलने वाली। तो यही सारी डिटेल्स थी ओला के मूव ओएस 3 अपडेट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।